फिल्म का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में अलग अलग तरह की तस्वीरें बनने लगती हैं। खासकर जब भी म्यूजियम की बात की जाती है तो लोग पेंटिंग, फोटोज या पुरानी कुछ चीजों के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा भी होगा कि चॉकलेट का म्यूजियम हो सकता है? अगर नहीं सोचा तो आप जान लीजिए कि हमारी इस दुनिया में चॉकलेट का भी एक म्यूजियम है। ये चॉकलेट का म्यूजियम स्विट्जरलैंड में है, जिसे हाल ही में खोला गया है। तो आइए जानते हैं इस म्यूजियम के बारे में। इस चॉकलेट के म्यूजियम का नाम लिंडहोम चॉकलेट है। ये 65,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। ये म्यूजियम दुनिया की सबसे बड़ी लिंड चॉकलेट की दुकान की मेजबानी भी करता है। इस म्यूजियम में एक बहुत बड़ा फाउंटेन है जो कि चॉकलेट से बना हुआ है। यहाँ की हर चीज को चॉकलेट से तैयार किया गया है। इस शॉप का उद्घाटन दुनिया के महान टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने किया था। यहाँ की हर चीज बेस्ट क्वालिटी की चॉकलेट से तैयार की गई है, जो खाने में बेहद टेस्टी है और दिखने में बेहद खूबसूरत। इसके साथ ही यहाँ आने वाले सभी लोगों को गिफ्ट में चॉकलेट दी जाती है। वहीं यहाँ बने चॉकलेट एरिया में लोग अपने हाथों से चॉकलेट बना सकते हैं, जिसमें उन्हें बेहद आनंद आता है। यहाँ आप चॉकलेट उत्पादन का इतिहास और इसकी संस्कृति के बारे में भी जान सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये चॉकलेट म्यूजियम कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। नव भारत से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नित्या विश्वकर्मा, नव भारत मीडिया।